कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में एबीवीपी की छात्राओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने जेडीबी कॉलेज को मतगणना बनाए जाने के बाद से ही अभी तक भी पूरी तरह खाली नहीं किया है, जिससे छात्राओं के शिक्षण कार्य में परेशानी आ रही है। एबीवीपी की छात्राओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेट बंद करके हंगामा किया। छात्रा प्रेरणा जायसवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव में जेडीबी गर्ल्स कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित हुए 1.5 महीना हो गया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक भी ईवीएम मशीन और अन्य सामग्री को नहीं हटाया, जिससे कॉलेज के 18 कमरे अभी तक प्रशासन के अधीन है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने 7 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि 7 दिन में कॉलेज को मुक्त नहीं किया तो छात्राएं आंदोलन करने को मजबूर होंगी। प्रदर्शन में छात्र सेविका पूनम राजावत, गुंजन पारेता, कविता हारा, मेघा सुवालका आदि छात्राएं प्रदर्शन में मौजूद रही। अपन इस वजह से दिया है, हमारे लोकसभा चुनाव हुए 3 महीने हो चुके, 1.5 महीने से कॉलेज में 18 रूम्स में सामग्री पड़ी हुई है, उसकी चुनाव की सामग्री ईवीएम मशीन, तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हटाई जाए, क्योंकि 18 रूम तो उन्होंने ले रखे हैं और हमारे एमए के 9 सब्जेक्ट तो 18 क्लासरूम थी उनकी, तो 36 तो ये हो गए। हमारे बीए वाली गर्ल्स पढ़ेंगी कहाँ पे, और हर बार हमारा ही कॉलेज क्यों लिया जाए, और कॉलेजेस भी हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन्हें लिया जाए, और वहाँ पे कभी दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, कभी क्या पड़ी हुई हैं, तो हम चाहते हैं वो सब हटी जाए और जल्द से जल्द इस चीज़ का ना निवारण हो, नहीं तो हम 7 दिन के अंदर मोहलत देते हैं, नहीं तो कलेक्टर के पास जाके प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है। प्रेरणा जायसवाल, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय।